इन लालिश्क एपिसोडिक्स है. हर एपिसोड में अलग एक्टर्स हैं, अलग डायरेक्टर है, अलग प्रोड्यूसर है. एंड यू नो इट्स समथिंग लाइक आई नेवर डन बिफोर. यू नो हम डेली सोप्स करते हैं लेकिन इतने सारे एक्टर्स को के साथ साथ में काम करना इट्स अ लिटिल रेयर. सो इट्स फन एंड इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस. लव एंड हॉरर एक साथ देखिए कॉम्बिनेशन को देखते हैं. देखिए हॉरर और लव आप कह रहे हो, हॉरर लव में बात ये है कि हॉरर बिल्कुल भी नहीं है. हम नॉर्मल इन लाइफ में हम कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हम कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कोई यहाँ पे था, मुझे लगा कि किसी ने मुझे हाथ रखा. तो इसे कहते हैं हम सुपर नेचुरल कभी कोई चीज़ें जो हमें हमारा वहम भी होता है या चीज़ें सच में भी होती है. तो मेरे ख्याल से हॉरर कहना बहुत गलत होगा इस शो को. लाल इश्क का बेसिकली एक ऐसा शो बनाया गया है एंटी ने जिसने इसमें अलग तरह से हर प्रेम कहानी को दर्शाया गया है, जिसमें कई तरह से जो कहते हैं लव हैज़ लॉट ऑफ इमोशंस, अलग अलग तरीके के इमोशंस होते हैं, अलग अलग तरीके की स्टोरीज होती है. और पूरे देश भर में कहीं ना कहीं ये जो सुपर नेचुरल थिंग है, हम कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर थोड़ी सी बिलीफ होती है कि कोई चीज़ ऐसी होती है. तो वो स्टोरीज जो दिखाई नहीं गई अब तक, वो प्यार के साथ मिक्स करके इस चीज़ को दिखाया. कृतिका काफ़ी इंतज़ार कराया फैंस को आपने. हाँ जी. तो बहुत लंबी टाइम बाद कैरेक्टर के बारे में बताइए. कैरेक्टर है एक लड़की है, वेरी एक्साइटेड अबाउट हर वेडिंग. जैसे यू नो जैसे लड़कियाँ शादी के वक्त सो एक्साइटेड कि मेहंदी ऐसी होगी, हल्दी वैसी होगी, यू नो वो उसी जोन में है. एंड सडनली सारी चीज़ें गलत जा रही है. यू नो एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग एंड शी इज़ वंडरिंग कि क्या हो रहा है. वो खुद बदल रही है एज अ पर्सनैलिटी. And everybody is wondering कि क्या हो रहा है. एंड देन यू रियलाइज दैट देर इज़ सम सुपर नेचुरल एलिमेंट जिसने सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया है. एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग. ओके. जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो व्हाट इज योर रिएक्शन? माई रिएक्शन वॉज लाइक वाओ आई एम डूइंग दिस बिकॉज मैंने हॉरर कभी नहीं किया है. साउथ की फिल्में की है, मॉडलिंग किया है, बाकी सब कुछ किया है विच इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक रोल्स दैट आई हैव डन वर वेरी रोमांटिक, वेरी लाइक डिफरेंट. I've not been a part of a horror kind of a genre, so मेरे लिए it was interesting. कितना अलग होगा ये? आलिया से बहुत अलग होगा बिकॉज आलिया तो बहुत तहजीब वाली, यू नो लाइक इट वॉज अ मुस्लिम कैरेक्टर दैट आई प्लेड. एंड दिस इज गोइंग टू बी जस्ट अ वेरी पंजाबी गर्ल, वेरी एक्साइटेड. शादी हो रही है, हल्दी हो रही है, दैट टाइप, यू नो. एंड प्रियांक शर्मा के साथ भी काम करने का मौका मिला. आई मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी वर्किंग विथ हिम 2 years back. एक माइथोलॉजिकल शो के लिए हमने ऑलमोस्ट शूट किया था एंड इट डिडंट वर्क आउट. ओके मैम, आप कुछ बताना चाहिए आपके कैरेक्टर के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लाल इश्क इज़ नॉट अ हॉरर शो. जो सबको लग रहा है कि एक हॉरर इसमें इन्वॉल्व होगा, ये एक सुपर नेचुरल एलिमेंट, एक सुपर नेचुरल टच इस शो में इन्वॉल्व है. तो वो आज तक, एक तो मैंने अपना शो किया था एक दीवाना था, तो उसमें एक सुपर नेचुरल टच था. तो नाउ दिस लाल इश्क में एक सुपर नेचुरल टच है. तो दैट्स व्हाई आई सेड यस आल्सो टू इट बिकॉज आई हैव वर्कड बिफोर आल्सो. एक सुपर नेचुरल एलिमेंट का जो एक पूरा शो हम लोगों ने बनाया था, तो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज प्यार कितने तरीके का हो सकता है. और ये एक एपिसोडिक शो है तो हर एक कहानी, एक एक घंटे की जो कहानी है वो हर कहानी अलग अलग है. तो आपको कई सारे प्यार के रंग देखने को मिलेंगे. तो वही है लाल इश्क एक्चुअली. सर आप कुछ बताना चाहिए? हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद? एक्चुअली आई हैव नॉट वर्क्ड विद कृतिका, बट आई हैव सीन हर वर्क एंड आई शी इज वेरी गुड एट हर वर्क. एंड डोनल आई फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद हर. तो मैंने जब पहली बार डॉन का नाम सुना था मुझे पता नहीं था. फिर मुझे जब मैंने सुपर नेचुरल की बात आई तब मुझे समझ में आया कि अच्छा हाँ शी इज़ द वन. मतलब तो बेसिकली अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं. तो वो होता है एक प्यार में पागलपन, कि जब आप किसी से प्यार करते हो और अगर उसे कुछ हो जाए तो आप कोई भी चीज़ कर जाओगे, जब चाहे वो चीज़ सही हो या गलत, बस आप उसे पाना चाहते हो या उसे ठीक करना चाहते हो. तो वैसी चीज़ मेरे कैरेक्टर में है कि जो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ, उसे कुछ ऐसी कोई चीज़, ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पे शायद मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खो दूँ. तो ऐसे में मैं एक ही तरीका है उसे बचाने का, चाहे सही हो गलत, मुझे वो करना होगा, तो ही मेरी ज़िंदगी में वो लड़की वापस आ सकती. तो इट्स अ पैशनेट लव और प्यार में हर हद पार कर जाता है ये लड़का. लेकिन उसे ये नहीं पता है कि होता कि जिससे कोई चीज़ होती है जो अधूरी होती है वो छूटती नहीं कभी, वो अपने साथ ही रहती है. हम हमारी लाइफ में कहते हैं वो कर्मा,
जब भी आप कोई गलत कर्मा करते हो तो हमें लगता है कि हम छूट गए उस चीज़ से, लेकिन वो चीज़ हमारे साथ ही रहती है पूरी ज़िंदगी जब तक वो चीज़ से हम बाहर नहीं निकल जाए। ओके मैम, आप दोनों काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो कुछ आपने ड्रेस के बारे में बताना चाहिए आपसे? काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप दोनों। दिस इज़ द माई स्टाइलिस्ट वसुंधरा है स्टाइल्ड मी फॉर दिस ड्रेस, ज़ारा क्लोथ्स एंड समथिंग, या दैट्स इट। आई एम वेयरिंग दिस लवली वेस्टर्न, थोड़ा सा इंडो टच है उसको, फ्लोरल कलरफुल आउटफिट, एंड राहुल गोयल हैज स्टाइल्ड मी and he's done a fabulous job.